साल 1761, तारीख 14 जनवरी। उस दिन पानीपत में अफगानों और मराठों के बीच हुई लड़ाई में दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। इस लड़ाई के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगानों की नजर में हीरो बनकर उभरे। अफगानिस्तान की जनता में अब्दाली को बाबा ए कौम और फादर ऑफ द नेशन के तौर पर शोहरत मिली। बात 1747 की है, जब 25 वर्ष के अहमद खान अब्दाली को सर्वसम्मति से अफगानिस्तान का राजा चुना गया। ताजपोशी के वक्त साबिर शाह नाम के एक सूफी दरवेश ने अहमद शाह अब्दाली की खूबियों और काबिलियत को पहचान कर उसे दुर्रे दुर्रान का किताब दिया था, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। उसके बाद उनके कबीले को दुर्रानी के नाम से जाना जाने लगा। अहमद शाह को वो सारी चीजें मिली जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी। उन्होंने अफगान कबीलों की आपसी लड़ाई को खत्म करके सबको एकजुट किया और एक अफगान मुल्क की बुनियाद रखी। अहमद शाह ने तमाम जंगें जीतकर एक विशाल बादशाहत कायम की। इतिहासकार इसे दुर्रानी साम्राज्य कहते हैं। उनका विशाल साम्राज्य का दायरा पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में हिंदुस्तान के सरहिंद तक था। अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश के लोगों को एक नई पहचान और एक आज़ाद मुल्क दिया, जिसे हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान के 5000 साल लंबे इतिहास में अहमद शाह बाबा जैसा ताकतवर, मशहूर और लोकप्रिय शासक कोई नहीं रहा। जनवरी 1761 की पानीपत की जंग अहमद शाह अब्दाली की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके में इस जंग को आज भी मराठाई वाहल यानी मराठों को शिकस्त देना को याद किया जाता है। कंधार इलाके में आज भी ये पुश्तो जबान की एक कहावत के तौर पर मशहूर है। आज भी आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि तुम तो ऐसे दावे कर रहे हो जैसे तुमने मराठों को शिकस्त दी हो। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी हुकूमत पर बड़ी समझदारी से राज किया था। अफगानिस्तान के लोग अहमद शाह अब्दाली को एक संत की तरह पूछते हैं। उन्हें अब्दाली पर अभिमान है और पूरा मुल्क अब्दाली का शुक्रगुजार है। अहमद शाह अब्दाली को दीन ने इस्लाम का सच्चा सिपाही माना जाता है। उनकी ये छवि न केवल अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के पश्तून इलाकों के लोग भी अब्दाली के बारे में यही राय रखते हैं। यही नहीं, मध्य और दक्षिण एशिया के मुसलमान भी अब्दाली का नाम बड़े अदब से लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी का मकबरा कंधार में है, जो अब्दाली के साम्राज्य की राजधानी थी। अहमद शाह अब्दाली केवल तलवार के बाजीगर नहीं बल्कि कलम और हरफों के भी उस्ताद थे। अब्दाली ने नज्में, लेख, फारसी और अरबी भाषाओं में रचनाएं लिखी। आज अफगानिस्तान की हालत को देखकर अहमद शाह अब्दाली की रूह भी मातम मना रही होगी। कभी जिस मुल्क को उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया, आज वह ग्रत में चला गया। किस्मत का मारा अफगानिस्तान आज जार जार रो रहा है।